नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ लेखन कौशल के अंतर्गत औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। इसके पूर्व वीडियो में भी मैंने विभिन्न औपचारिक पत्रों के प्रारूप उदाहरण के माध्यम से आपको बताया था। आइए आज विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप और विषय वस्तु को कैसे समाहित करें, पूर्ण आवेदन पत्र कैसे लिखें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पढ़ने जा रहे हैं हम औपचारिक पत्र लेखन। वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 5 अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर औपचारिक पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालयों से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों, इन सबको लिखा जाता है। ये व्यक्ति सामान्यतः अपरिचित होते हैं। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, सरकारी विभाग के अधिकारी, अखबार के संपादक, नगर निगम के मेयर, बिजली या पानी विभाग के अधिकारियों या लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा बहुत ही सरल और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। इन पत्रों में सिर्फ काम की बातें ही लिखी जानी चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह के पत्रों में बहुत ही सीमित शब्दों में सिर्फ समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से लिखना आवश्यक होता है और उनके निराकरण के लिए उसमें निवेदन होता है। आइए जानते हैं एक प्रारूप के माध्यम से हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। इसके लिए विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सेक्टर 30, दिनांक 25 नवंबर 2020, चंडीगढ़। इसमें यहाँ पर सर्वप्रथम हम जिस समाचार पत्र को पत्र लिख रहे हैं वहाँ पर उनका पता लिखें। विषय योग शिक्षा का महत्व, योग शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो योग शिक्षा का महत्व हो गया। महोदय जी, जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र समाचार पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहती हूँ और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना चाहती हूँ। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की भावना विकसित होगी, लोग जागरूक होंगे, विद्यार्थी जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। योग के माध्यम से वे अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। योग के जरिए वे अपने तन मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलती रहेगी। ये हम मुख्य विषय वस्तु के रूप में यहाँ पर समाहित किए हैं। उसके बाद पत्र को अंतिम रूप देते हुए, निवेदन करते हुए, यहाँ पर आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों का योग के प्रति जागरूक करने की कृपा करें और लोगों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। ऐसा हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पत्र की समाप्ति करते हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर बालिका ने पत्र लिखा है तो भौदिया और नाम पता और अपना दूरभाष क्रमांक लिख सकते हैं। तो ये हुआ पत्र का प्रारूप। इसके आधार पर और आप अनेक पत्र लिख सकते हैं। दूसरे पत्र के माध्यम से देखते हैं, आपके मोहल्ले में बिजली की संकट अधिक बढ़ गई है, उससे निपटने के लिए बिजली अभियंता को पत्र लिखना है। अब बिजली अभियंता
अभियंता अर्थात इंजीनियर, जो मुख्य अभियंता हैं, अधिकारी हैं, उनको पत्र लिखना है। तो सेवा में मुख्य अभियंता बिजली विभाग नैनीताल रोड अल्मोड़ा, ये हमने एक उदाहरण लिया है। यहाँ पर आप दूसरा पता जिसको आप लिख रहे हैं, 10 जनवरी 2000 पत्र दिनांक भी लिखेंगे यहाँ पर। फिर विषय मोहल्ले में बिजली संकट बढ़ने हेतु, महोदय जी सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं विकास नगर गली नंबर 17 अल्मोड़ा में रहता हूँ। महोदय जी हमारे मोहल्ले में कुछ समय से लगातार बिजली की समस्या चली आ रही है। दिन में कई कई घंटे बिजली नहीं रहती और कई बार तो रात भर भी बिजली नहीं आती है। गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है जिस कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए यहाँ पर अपने समय अपने मोहल्ले में जो बिजली की समस्या है उनसे अवगत करा रहे हैं हम अधिकारी को, और उनसे होने वाली समस्याओं के बारे में भी बता रहे हैं। फिर महोदय मैं खुद स्वयं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और अगले महीने मेरी बोर्ड परीक्षाएँ शुरू होने वाली है। बिजली न होने के कारण मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे मोहल्ले में मेरे जैसे अनेक बच्चे हैं जिनकी बोर्ड परीक्षाएँ शुरू होने वाली है, तो उनका ध्यान रखा जाए इसलिए यहाँ पर बिजली सुधारने की निवेदन किया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपने किसी लाइनमैन को भेजकर हमारे मोहल्ले की बिजली लाइन को ठीक करने की कृपा करें, ताकि मैं और मेरे जैसे अनेक बच्चे अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकें। इस प्रकार से बिजली अभियंता को बिजली की समस्या से दूर करने के लिए निवेदन करते हुए यहाँ पर पत्र लिखा गया है और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये पत्र की समाप्ति होती है। यहाँ पर भौदी और नाम के साथ यहाँ पर अपने मोहल्ले का पता भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से दो उदाहरण के माध्यम से औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप और उदाहरण को आपको अच्छे से समझाया गया। आशा करता हूँ कि आपको ये पत्र लेखन प्रारूप और उदाहरण बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अभ्यास कार्य के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये जो दो पत्र है उनको लिखेंगे। आपके शहर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है, क्योंकि आपके शहर में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको रोकना है। प्रश्न दो, कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन पर जरूरतमंदों की सहायता करने की अनुमति हेतु थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है। आप यदि कोई समूह के व्यक्ति हैं, एक स्वयं व्यक्ति है या खुद भी लॉकडाउन में या कोविड-19 के कारण महामारी में ग्रसित लोगों के लिए सहायता करना चाहते हैं तो उनके लिए अनुमति लेना है, तो इसके लिए थानाध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। तो ये हुए दो पत्र जिनको आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से यह पत्र लेखन के प्रारूप समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।